अपने महापुरुष हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ भी समझौता करने में जरा भी देर नहीं होती। ऐसे नेता सोचिए, 18 साल हो गया राजभर समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ और भीम राजभर जी और बाबूलाल राजभर जी से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तमाम हमारे नेता बैठे हैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि समाज में घूमकर इस बात को बताना पड़ेगा। आज ऊल जुलूल की जो बातें हो रही हैं, राजभर समाज के नौजवानों, ऐसे समाज को बेचने वाले समाज बेचवों को पकड़ लो गिरे मानूं की अगर तुम्हारे बस्ती में आते हैं, और घर पर बिठा कर पहले सवाल करो और कहो कि 18 साल का हिसाब किताब दे दो तब आगे की बात करना। 18 साल से पार्टी बनाकर आज गरीब माँ बहनों को ट्रैक्टर पर लाद लाद कर ये हमारी माँ बहने, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो अपने पेट का हिस्सा काट कर तुम्हारी दुकान लगाने का काम किए, तुम्हारी पार्टी बनाने का काम किए, और तुम आज सैयद सलार गाजी के अनुयायियों के साथ समझौता कर रहे हो, सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर जिनसे राजभरों की लड़ाई हुई, जिनसे महाराजा सुहेलदेव राजभर की लड़ाई हुई, उसी सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर तुम चादर चढ़ाने का काम कर रहे हो, पूरे राजभर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हो, महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को बेचने का काम कर रहे हो। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, यहाँ हिस्सेदारी मोर्चा के हमारे नेता बैठे हैं, आप समाज को बनाने के लिए आ गए, मोदी जी आपको आवाज दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको आवाज दे रही है। अपने अपने समाज का अगर भला करना है तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ पूरे ताकत के साथ कर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बार फिर कमल खिलाते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को हम लोगों को फिर से बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आज हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्व प्रयास की बात करने के लिए आए हैं। आप लोगों ने जो प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसका स्वागत करती है। जहां तक हिस्सेदारी की बात है, आप सीधे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से आप लोग जुड़ रहे हैं, एकदम जुड़े रहिए हम और आनंद सुपर।